आजकल एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स में फिर से सेटअप स्क्रीन है जो लोडिंग की प्रॉब्लम आने लगी है। पीछे कुछ कम थी तो मेरे भी एक्सट्रीम बॉक्स में भी 2-3 बार ये प्रॉब्लम आई है आज। अगर आपके बॉक्स में भी ये सेटअप स्क्रीन जो लोडिंग वाली है बार बार बूट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टीवी हमारा चलते चलते बूट हो जाता है, अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है और फिर से सेटअप स्क्रीन लोड होने लग जाती है। तो इसमें 3-4 मिनट लग जाते हैं लोडिंग में, हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह करेंगे तो चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पर जाने के बाद हम नीचे चले जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स में जाके चैनल रीसेट पर। चैनल रीसेट पे हमें यहाँ चैनल को रीसेट करने के लिए पिन भरना पड़ेगा। तो इसका डिफॉल्ट पिन 1 2 3 4 या 4 बार 0 ट्राई कर सकते हैं। 4 बार 0 होता है ये। 4 बार 0 डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद ये कहता है कि आपके सभी चैनल्स और प्रोग्राम डिलीट हो जाएंगे और बॉक्स आपका रिबूट होगा। यहाँ पे एक और बात है, आपका जो बॉक्स है वो डिश एंटीना पे होना चाहिए, डिश एंटीना सेट होना चाहिए क्योंकि इसके बाद चैनल रीसेट होंगे, चैनल स्कैन भी होगा। तो अगर आपके पास डिश एंटीना सेट नहीं है तो फिर इसको आप मत छेड़ें, ऐसे ही चलाते रहें जैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एंटीना डिश एंटीना प्रॉपर सेट है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। इसमें चैनल डिलीट होंगे, प्रोग्राम शेड्यूल, डू नॉट पावर ऑफ द बॉक्स, ये वार्निंग आती है, बॉक्स को हमने पावर ऑफ नहीं करना है। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है इसलिए जल्दी से ये पावर ऑफ दिखा रहा है। पर आपके वाले बॉक्स में जैसे आप कई दिन बाद करेंगे तो 5 मिनट तक ये ले सकता है। रीबूट होने तक आप वेट करेंगे यहां पे। अब सैटेलाइट सेटिंग्स मांगेगा, SES 7 TP 11 हमने यही सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर सिग्नल सेट है तो पूरे प्रॉपर दिखा देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे चैनल स्कैनिंग होती है, यहाँ पे हमें वापस नहीं करना है, बैक बटन प्रेस नहीं करना है। सिग्नल लॉक सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आपके बॉक्स में आने वाली रिबूट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, 4-5 मिनट में सब कुछ हो जाता है ये। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।